हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शशांक और स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। और आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं नई सीरीज ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक मैंने लिया है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट में मैं बहुत सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि रिस्क असेसमेंट के सब पार्ट्स, रिस्क एनालिसिस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क इवैल्यूएशन एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो आई थिंक कि हर एक फिजिकल सिक्योरिटी प्रोफेशनल को एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिस्क क्या है, रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है, रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एनालिसिस क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। और अगर आपको ये नहीं आता तो आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो मेक श्योर कि जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप उनको नोट डाउन करते जाइए, डायरी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और जस्ट मेक श्योर कि आप उसको नोट डाउन करें, सो दैट यू कैन रिकॉल देम, यू कैन जस्ट गो बैक एंड चेक योर नोट्स, राइट। सो टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स विच आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि एटलीस्ट रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, राइट। सो वट इज़ रिस्क मैनेजमेंट? सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी, इट इज़ अ नंबर वन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फिजिकल सिक्योरिटी सेटअप। कोई भी अगर आप नया सिक्योरिटी प्रोग्राम अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एक सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है उस सिक्योरिटी सेटअप का, राइट। उसके बिना अगर आप कोई भी सिक्योरिटी सेटअप लगाएंगे इट मीन्स दैट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, इट फोकस ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला गया है कि कैमरा लगाओ एक, कि आपको एक असेट प्रोटेक्ट करना है, आपने उसके लिए 40,000 का एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया, राइट, बिना रिस्क असेसमेंट के। लेकिन जो असेट आप प्रोटेक्ट करने वाले हैं दैट इज़ ओनली ऑफ ₹2,000, राइट। तो ये आपकी कॉस्ट है, ये आपका बेनिफिट है कि आप 40,000 रुपये खर्च करके सिर्फ ₹2,000 की चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ फिजिबल ऑप्शन। आपको हमेशा कॉस्ट और बेनिफिट का जो एक रेशियो है, एक एनालिसिस करके चलना है, राइट। सो ये है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स रिड्यूस्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अ सिक्योरिटी सेटअप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक नया सिक्योरिटी सेटअप लगाया है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और उस सेटअप को लगाने के बाद भी अगर आपके इंसिडेंट कम नहीं हुए तो इट मीन्स कि आपने सही से रिस्क असेसमेंट नहीं किया था। फॉर इसका मतलब है कि आपके जो इंसिडेंट है दे शुड गो डाउन विद योर रिस्क असेसमेंट और आपके न्यू सिक्योरिटी सेटअप के साथ। एंड नेक्स्ट है, गोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ टू मैनेज लॉस इफेक्टिवली एट लीस्ट कॉस्ट। सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सिक्योरिटी जो ऐसा एक डोमेन है विच इज़ नॉट ए प्रॉफिट सेंटर, विच मीन्स कि सिक्योरिटी आपको प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी अगर आप नया सिक्योरिटी सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपको कम से कम कॉस्ट में उसको लगाना पड़ेगा ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सके कि हम जो भी कर रहे हैं इट इज़ इन द लीस्ट कॉस्ट, इट इज़ एट लीस्ट कॉस्ट और हम इससे आपका नुकसान जो है वो बचा सकते हैं अप टू दिस, राइट। सो इसका मतलब है कि आपको कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है, दैट इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव द सक्सेस रेट। ऑब्वियसली अगर आपका रिस्क असेसमेंट सही है, आपने सिक्योरिटी सेटअप सही लगाया है, तो आपकी जो ओवरऑल सक्सेस रेट है आपकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की और आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वो भी बढ़ेगी, राइट। एंड लास्ट है कि इट आंसर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितना सिक्योरिटी इनफ है। आपने एक असेसमेंट किया है, राइट, मान लीजिए, और उसमें आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई एक गेट पे आपको 2 या 3 गार्ड लगाने हैं, राइट। तो ये आपने रिस्क असेसमेंट करके आइडेंटिफाई किया है, तो रिस्क असेसमेंट आपको ये भी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कितनी सिक्योरिटी सही रहेगी किसी भी एक असेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर आप बिना असेट रिस्क असेसमेंट के कोई भी सिक्योरिटी सेटअप लगा देंगे तो आप अपनी मर्जी से बोलेंगे भाई जाओ यहाँ पे 5 गार्ड्स लगा दो, 2 DFMD लगा दो या 2 कैमरा लगा दो, राइट। तो ऐसे इसके बिना रिस्क असेसमेंट के बिना या रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप कोई भी अगर स्टेप लेंगे तो दैट इज़ नॉट फिजिबल, राइट। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे कि रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है, रिस्क को असेस कैसे करना है। तो ये है रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट में जो सबसे पहला पार्ट है वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि भी प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये है सबसे पहला आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वट इज़ रिस्क, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क, राइट। तो सबसे पहला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द रिस्क असेसमेंट।
नंबर वन। और दूसरा आता है आपका रिस्क एनालिसिस। पहले तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसको एनालिसिस करो, उसको एनालाइज करो, एंड देन फिर आपको उसे करना है इवेल्युएट। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये अभी हम समझेंगे एक एक करके, राइट। तो ये तीनों क्या हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और इवेल्युएशन, राइट। सो लेट्स सी, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है असेट आइडेंटिटी, असेट्स को आइडेंटिफाई करना। आप किसी अगर कंपनी में एक सिक्योरिटी सेटअप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑफिसेज हैं, ऑफिस वन, ऑफिस टू, ऑफिस थ्री, ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग वन, बिल्डिंग टू, बिल्डिंग थ्री एंड बिल्डिंग फोर, राइट। उसके बाद आपके पास एक डेटा सेंटर है, राइट। उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा हॉल है जो आपका किचन, या आप कह सकते हैं रिक्रिएशन हॉल है, जिसमें बहुत सारे इम्प्लॉयज़ एक साथ बैठते हैं। ये आपका यहाँ पे रिसेप्शन सेंटर है, राइट। ये आपका यहाँ पे मेन गेट है जहाँ से आपकी एंट्री है, ये आपका बैक गेट है यहाँ पे, राइट। तो अब ये आपके डिफरेंट असेट्स हो गए, राइट। तो इन असेट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे मेरे असेट्स हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, उनमें क्या है, उनमें क्या काम होता है, उनके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, और उस इन्फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है। तो अगर जब भी हम किसी असेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम को रन करते हैं, तो उसमें हम तीन चीज़ों पे खासकर ध्यान देते हैं। पहले आपके हैं पीपल। तो पीपल में कौन आएगा, पीपल में आ सकते हैं आपके इम्प्लॉयज़, राइट, आपके विजिटर्स, आपके वेंडर इम्प्लॉयज़, और आपके जो भी वर्कर या कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी काम करने आ रहे हैं या विजिट के लिए आ रहे हैं, वो सब आएंगे आपके पीपल में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कोई भी एक हार्ड असेट हो सकता है, आपकी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, आपकी मशीन्स हो सकती हैं, राइट, आपके कोई भी जो व्हीकल्स हैं वो हो सकते हैं, आपके वेयर हाउस में रखा सामान हो सकता है, आपका प्रोडक्शन हो सकता है, ये सब आपकी क्या है, प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन, राइट। तो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन दो तरह की हो सकती है। पहली है आपकी सॉफ्ट में, जो आप आईटी की तरह रखते हैं, अपने डेटा सेंटर्स में रखते हैं, आपके कंप्यूटर्स में रखते हैं, और दूसरी है हार्ड, आपकी फाइल्स हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके जो चालान्स हैं, इनवॉइसेस हैं, ये सब क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी हम किसी सिक्योरिटी सेटअप को रन करेंगे, तो सबसे पहले हम तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे, वो क्या है, आपके पीपल, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी इन्फॉर्मेशन। तो ये तीनों जब होंगे, तभी आप अपना एक असेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यस, ये मेरे असेट्स हैं, इन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। और नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेट्स। तो जब आप असेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास थ्रेट्स असेसमेंट, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, राइट। मान लो अगर आपके एक असेट्स को आइडेंटिफाई किया गया, आपका डेटा सेंटर है यहाँ पे जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो ये डेटा सेंटर को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। कोई भी पर्सन यहाँ पे आके अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है, राइट। दूसरा, अगर वो एक्सेस ले लिया, तो आपके वहाँ पे आके वो मालवेयर्स या कोई भी वायरस को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है, राइट, या तो आपकी वो डिस्क को चोरी करके ले जा सकता है, राइट। तो ये क्या है, थ्रेट्स। आपने असेट आइडेंटिफाई किया, आपने उसके थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए। जो थ्रेट्स क्या हैं, ये तो हैं सिर्फ मैन मेड, राइट, कि सिर्फ एक इंसान कर सकता है, लेकिन थ्रेट्स तीन तरह के होते हैं। पहले होते हैं आपके नेचुरल थ्रेट्स, जो अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं, लाइटिंग है, जो भी है, राइट। दूसरे होते हैं आपके इंटेंशनल थ्रेट्स। इंटेंशनल थ्रेट्स वो हैं जो मैन मेड हैं, किसी ने इंटेंशनली आपके बिल्डिंग में आके दरवाज़ा तोड़ के आपके चीज़ों को चोरी कर लिया, राइट। तीसरे होते हैं इनएडवर्टेंट। वट इज़ इन एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट वो होते हैं जो गलती से हो जाते हैं। मान लो आप, आपको पता नहीं है, आप नया नया अपनी कंपनी में ज्वाइन किया है, और आपको पता नहीं था कि जो डेटा सेंटर का डोर है वो हर टाइम लॉक रहना चाहिए, आपने पढ़ा नहीं, तो आपने गलती से उसको खुला छोड़ दिया, और एक अनऑथराइज पर्सन ने आपके डेटा सेंटर में एक्सेस ले लिया। तो ये क्या है, आपकी गलती से हुआ है, राइट, आपने इंटेंशनली नहीं किया, आपने मशीन को चलता छोड़ दिया, आपने मशीन को बंद नहीं किया, आप बंद करना भूल गए, आपको काम करते करते नींद आ गई और आपने एक्सीडेंट कर दिया। तो ये सारे क्या हैं, इनएडवर्टेंट थ्रेट्स। तो तीन तरह के थ्रेट्स हम करते हैं कंसिडर जब भी हम किसी असेट आइडेंटिफिकेशन या रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला था आपका नेचुरल थ्रेट, फिर आपका था इन इंटेंशनल, और तीसरा था आपका इनएडवर्टेंट, राइट। तो ये थे आपके थ्रेट्स।
अब थ्रेट्स में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो हम बात करेंगे कि थ्रेट्स में तीन तरह की चीज़ें आती हैं, तीन तरह से आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं किसी थ्रेट को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो उसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है थ्रेट एक्टर्स। व्हाट आर थ्रेट एक्टर्स? थ्रेट एक्टर्स वो हैं, जब मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके डेटा सेंटर में डेटा चोरी होने की संभावना है, ये आपका थ्रेट है, तो उसको कौन चोरी कर सकता है, ये है थ्रेट एक्टर्स। मे बी आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, राइट, या आपकी कंपनी में आने वाले विजिटर्स कर सकते हैं, या आप कोई भी अननोन पर्सन आके आपके सिस्टम को हैक करके उसे आपके डेटा को स्टील कर सकता है। तो ये है थ्रेट एक्टर्स। इम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, विजिटर्स हो सकते हैं, कोई भी अननोन पर्सन हो सकता है, राइट। तो ये हैं तीन तरह के थ्रेट एक्टर्स। दूसरा आता है थ्रेट वेक्टर्स। सो थ्रेट वेक्टर्स क्या है कि अगर मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा एम्प्लॉय है जो थ्रेट है और वो चोरी कर सकता है डेटा को, तो वो कैसे करेगा? वो किसी का कार्ड लेके या अनऑथराइज एक्सेस लेके आपके एंटर कर सकता है, राइट, या वो किसी को आपके डेटा सेंटर में काम करने वाले एम्प्लॉय को धमकी दे सकता है, डरा सकता है, या उसको ब्राइब कर सकता है। तो यह है वैक्टर्स कि वो क्या क्या मीन्स और कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके आपकी कंपनी में थ्रेट को पोजेस कर सकता है। तो आप कह सकते हैं मीन्स, टूल्स, राइट, कैपेबिलिटीज, और आप कह सकते हैं रूट्स कि किस रूट से वो एक्सेस कर सकता है आपकी बिल्डिंग में। तो ये चार चीज़ें आएंगी, मीन्स क्या हैं, टूल्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और रूट्स क्या हैं, राइट। और तीसरा आता है थ्रेट एक्शन कि वो थ्रेट जो बंदा पोजेस कर रहा है वो क्या कर सकता है आके, वो आगे दरवाज़ा खोल के अंदर घुस के आपकी डिस्क को चोरी कर सकता है, राइट, या तो फिर वो किसी सिस्टम को कनेक्ट करके सारा डेटा कॉपी कर सकता है, राइट, डेटा कॉपी कर सकता है, या फिर वो कोई नया उसमें वायरस इंस्टॉल कर सकता है, राइट। तो ये सारे हैं वो एक्शंस जो कर सकता है उसके अंदर आने के बाद, राइट। तो ये था थ्रेट। थ्रेट में क्या है, थ्रेट एक्टर्स, थ्रेट वेक्टर्स और थ्रेट एक्शन, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी क्या है, सिंपल है, ये कमियां हैं, राइट। अगर हम किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां होती हैं। अगर हम सिक्योरिटी सेटअप की बात करें तो उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था ये बिल्डिंग का, अगर आपकी ये बिल्डिंग है इसके अंदर आपका मेन गेट पे जो एक्सेस कंट्रोल है वो स्ट्रांग नहीं है, आपके जो गार्ड्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, तो वो क्या है, एक वल्नरेबिलिटी है, एक कमी है जिसको कोई भी एक थ्रेट एक्टर, राइट, जिसकी अभी हमने बात की थी, वो थ्रेट एक्टर आके आपकी कंपनी में थ्रेट कर सकता है, अंदर घुस सकता है, डेटा चोरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके एक्सेस कंट्रोल में वल्नरेबिलिटी है, आपके गार्ड्स ट्रेंड नहीं है, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड पर्सन। तो ये है वीकनेस, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं वीकनेस इन एनी सिस्टम, राइट। किसी भी सिस्टम में कोई एक अगर वीकनेस है तो उसको हम बोलेंगे वल्नरेबिलिटीज, राइट। सो आई होप कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज क्लियर। सो नेक्स्ट हम बात करें रिस्क एनालिसिस। तो रिस्क एनालिसिस में दो चीज़ें आती हैं, पहले तो आपने थ्रेट्स ढूंढ लिए कि आपकी कंपनी में चार तरह के थ्रेट्स हैं, राइट। सबसे पहला थ्रेट क्या है आपकी कंपनी में, पहला है आपका डेटा चोरी हो सकता है, डेटा स्टील हो सकता है, राइट। दूसरा आपका कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है कंपनी के अंदर, राइट। तीसरा आपकी बाउंड्री वॉल को स्केल करके कोई अंदर आ सकता है, राइट। और चौथा है आपका मटेरियल जो है वो चोरी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने चार तरह के थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप देखोगे कि इनकी लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी क्या है, कि ये इनकी होने की संभावना कितनी है। तो होने की संभावना को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं कि पास्ट इंसिडेंट्स कितने हो चुके हैं ऑलरेडी। मान लो अगर आपने एक थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरी कंपनी में डेटा जो है वो चोरी होने का एक थ्रेट है, तो आप देखोगे कि पास्ट में वो कितनी बार हो चुका है, पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। आप देखोगे कि पास्ट में अगर वो हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब कि उसकी लाइकलीहुड होने की संभावना कम है,
राइट। अगर वो पास्ट में 10 बार हो चुका है, इसका मतलब कि उसकी आगे फ्यूचर में होने की संभावना भी ज़्यादा है, राइट। तो ये है लाइकलीहुड। और नेक्स्ट है इम्पैक्ट। अब लाइकलीहुड और इम्पैक्ट मतलब कि अगर कोई चीज़ हुई और उसका हमें नुकसान कितना हो सकता है। मान लो अगर आपकी कंपनी में कोई अनऑथराइज एक्सेस ले लिया, तो ये क्या है, आपने एक्सेस तो ले लिया, अब उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है। वो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है, कहीं पे अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है, राइट, किसी को असॉल्ट कर सकता है, मार सकता है। तो ये क्या है इम्पैक्ट। तो आप लाइकलीहुड ढूंढते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढते हो, एंड देन आपका उसका इम्पैक्ट ढूंढते हो। तो इन सबको ढूंढने के लिए आपके पास एक ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है आपका पास्ट इंसिडेंट्स। तो इसीलिए जब भी आप सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को अगर आप कहीं पे सेव करते हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको सही से सेव करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपने रिस्क असेसमेंट में उनको यूज़ करके अपना एक लाइकलीहुड और इम्पैक्ट का एक डेटा चार्ट बना सकें, राइट। तो ये था रिस्क एनालिसिस। अब है रिस्क इवैल्यूएशन। तो रिस्क इवैल्यूएशन क्या है, रिस्क इवैल्यूएशन क्या होता है कि मान लो आपने अभी लाइकलीहुड भी निकाल लिया, इम्पैक्ट भी निकाल लिया। आपने मान लिया कि अनऑथराइज एक्सेस की लाइकलीहुड है 5 और उसका इम्पैक्ट है 2, तो ये आपने उसको रेटिंग दे दी, ठीक है। तो टोटल रेटिंग उसकी हो गई 7। आपने दूसरा थ्रेट लिया डेटा सेंटर का, डेटा चोरी होने के, उसको आपने लाइकलीहुड दे दी है 7 और आपने उसका इम्पैक्ट दे दिया है 9। तो टोटल क्या हो गया इसका 16, राइट। तो ये क्या होगा, इन नंबर्स के हिसाब से आप उनको रेटिंग करोगे कि टोटल रेटिंग उसकी 7 है, इसकी 16 है, तो जो हाईएस्ट रेटिंग वाला है सबसे पहले मैं उसको ट्रीट करूँगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये है रिस्क इवैल्यूएशन कि आपने लाइकलीहुड निकाला, आपने उसकी सिवियरिटी निकाली, उसके बेस पे आपने उसको रेटिंग दी और रेटिंग के हिसाब से आपने उसको ट्रीटमेंट दिया कि जो हाई रेटिंग वाला है उसको हम पहले ट्रीट करेंगे और जो लो रेटिंग वाला है उसको हम उसके बाद, यानी कि 10 वाला, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 5। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, राइट। इसे बोलते हैं इवेल्यूएशन। अब ये रेटिंग देने के लिए दो तरह के सिस्टम यूज़ होते हैं, पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम नंबर्स यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करेंगे मान लो कि अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात है, तो इसका जो लाइकलीहुड है वो हाई है, राइट, और इसका इम्पैक्ट है वो है लो, राइट। तो ये हम नंबर्स की जगह हाई और लो यूज़ करेंगे। और उसी तरह अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, तो इसमें आप नंबर यूज़ करेंगे 5, 7, 10, 20, जो भी आप नंबर यूज़ करना चाहते हैं। तो क्वालिटेटिव हमेशा हाई, मीडियम, लो इस तरह से यूज़ होगा, और क्वांटिटेटिव यूज़ होगा रेटिंग्स पे, 0 to 5, 0 to 10, 10 to 50, या कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो यह है रिस्क इवैल्यूएशन। तो रिस्क एनालिसिस क्या था कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड और इम्पैक्ट को ढूंढते हैं, और रिस्क इवैल्यूएशन में आप उस इवैल्यूएशन के, उस एनालिसिस के हिसाब से अपने रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले मैं किस रिस्क को हैंडल करूंगा, राइट। तो ये था रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब जब आप ये सब कर लोगे, उसके बाद आपके पास आता है इस तरह का ग्राफ, आप उसको रेटिंग के हिसाब से अपने इस ग्राफ में डालोगे। ये है आपका 0 और ये है आपका हाई और ये है आपका हाई। अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो आपके नंबर्स यूज़ होंगे, अगर आप क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो आपकी हाई, मीडियम, लो। तो जो भी आपके लो प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिनकी होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, और उनका इम्पैक्ट भी कम है, वो इस क्वाड्रेंट में लिखे जाएंगे, ठीक है। और जो भी जो रिस्क हैं उनका अगर हाई इम्पैक्ट है लेकिन उनकी होने की संभावना बहुत कम है, तो वो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम रिस्क ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हाई इम्पैक्ट और लो प्रोबेबिलिटी वालों को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए टेररिस्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम है, राइट, लेकिन अगर वो हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इनको भी इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो है हाई प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट, ये तो इंक्लूड करने ही हैं, राइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, लेकिन ये भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे अपनी रिस्क ट्रीटमेंट के लिए। तो ये है आपका ग्राफ। और नेक्स्ट ये आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, देख सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव में हम यूज़ कर रहे हैं हाई, मीडियम, लो, इसको हम बोलते हैं हीट चार्ट, राइट, कि
कलर कोडिंग के हिसाब से हम अपने रिस्क को डालते हैं। तो जो भी हाई रिस्क और हाई सेवरिटी वाले होंगे और हाई प्रोबेबिलिटी और हाई सेवरिटी, वो इस एरिया में आ जाएंगे, इस रीजन में, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है यहाँ पे। और जो हाई इम्पैक्ट और लो प्रोबेबिलिटी वाले होंगे वो इस रीजन में आ जाएंगे, राइट, जस्ट फॉर इन अंडरस्टैंडिंग। और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो इस तरह से जो है आप अपने रिस्क को ढूंढने के बाद उनको आप मैप कर सकते हैं अपने हीट मैप में, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 5 एवेन्यूज ऑफ रिस्क मिटिगेशन। इस वीडियो में हमने बात की कि रिस्क हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ आने वाली वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।